हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल इजी अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे टी काउंट कमांड, उसका शॉर्टकट है TCO। अगर आपको कमांड टाइप नहीं करना है तो एक्सप्रेस टूल मेनू है, उसके अंदर आपको टैक्स में जाना है। वहां पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक टैक्स नंबरिंग। सपोज आपको एक ऑटोमेटिक नंबर देना है, सपोज यहाँ पे मैंने 1111 यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको नंबर चाहिए 123 ऐसा चाहिए, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, मैनुअली आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, एक एक करके एडिट करना पड़ेगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, TCO कमांड देना है ना, फिर आपको टेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ विंडो सिलेक्शन का, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको सिलेक्शन एक्स डिरेक्शन में करना है, वाई डिरेक्शन सिलेक्ट ऑर्डर में, तो आपको सॉर्टिंग किस टाइप से करना है। तो अभी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल है तो एक्स हमें लेना पड़ेगा, तो मैं एक्स ले रहा हूँ। अभी आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, पहला नंबर क्या देना है, तो 1 देना है। और इंक्रीमेंट कितना करना है, अगर आपको 1 2 3 4 चाहिए तो इंक्रीमेंट 1 हो रहा है, तो 1.1 लिखना है, एंटर। अभी है कि प्लेसमेंट ऑफ नंबर, मीन्स आपको इस नंबर को ओवरराइड करना है, आगे लिखना है, पीछे लिखना है, या फाइंड एंड रिप्लेस। तो अभी हम ओवरराइड ऑप्शन लेंगे, वो टाइप करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो अभी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही TCO कमांड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर गलती से दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट भी होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कमांड ओनली टेक्स्ट के लिए है। अगर फुल लाइन लाइन सर्कल सिलेक्ट भी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिलेक्ट ओनली टेक्स्ट को करेगा। अभी आपको एंटर देना है। अभी ये सिलेक्शन वाई डिरेक्शन में करना है, तो वाई इंक्रीमेंट और नंबर स्टार्टिंग 1 से करना है, 1.1 अगेन एंड ओवरराइड। अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक्स डिरेक्शन हुआ, ये वाई डिरेक्शन हुआ, अगेन सिलेक्ट। एक्स डिरेक्शन में करना है लेकिन इंक्रीमेंट अभी 2 का करना है, मीन्स 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जैसे एंटर करेंगे ओवरराइड, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 आ जाता है। वैसे ही मैं अभी वर्टिकल में जा रहा हूँ, वाई डायरेक्शन 1.5 का इंक्रीमेंट करना है, ओवरराइड। तो यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट होगा, तो 1 के बाद 6 भी 11 16, 21। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है और इंक्रीमेंट नंबर कौन सा चाहिए वो ले सकते हैं। अब ये एक्स और वाई ऑर्डर था, अगर आपको रैंडमली ऐसे सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है कि 1 by 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो आपने जिस ऑर्डर में सिलेक्ट किया होगा उस ऑर्डर में आपको नंबर देना है तो भी आप दे सकते हैं। तो मैंने जिस ऑर्डर में अभी सिलेक्ट किया उस ऑर्डर में नंबर देना है, तो सिलेक्ट ऑर्डर ऑप्शन में जाना है, 1.1 ओवरराइड। आप देखेंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी मैं फर्स्ट ये ले रहा हूँ, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, रैंडमली सिलेक्ट ऑर्डर 1.1 ओवरराइड। तो उस सीक्वेंस में नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप एक्स और वाई या तो सिलेक्टेड ऑर्डर में नंबरिंग दे सकते हैं। वही प्रीफिक्स सफिक्स, एक्स डिरेक्शन स्टार्टिंग 1 करना है, इंक्रीमेंट भी 1 चाहिए। अभी हमें ओवरराइड नहीं करना है, इसके आगे या पीछे आपको नंबर चाहिए तो प्रीफिक्स आगे चाहिए, तो प्रीफिक्स आप ऑप्शन लेंगे तो आगे नंबरिंग आएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो प्रीफिक्स में आगे नंबर आता है। वैसे ही एक्स डिरेक्शन में चाहिए 1.1 स्टार्टिंग 1 और इंक्रीमेंट भी 1 चाहिए, सफिक्स पीछे चाहिए, तो पीछे नंबर आएंगे 1 है 2
सॉरी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, तो प्रीफिक्स में आगे और सफिक्स में पीछे नंबरिंग आप ला सकते हैं। फिर आपको पर्टिकुलर कोई नंबर रिप्लेस करना है तो मैं टी काउंट कमांड दे रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी एक्स डायरेक्शन 1,1, अभी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाना है, क्या फाइंड करना है, तो ए फाइंड करना है। तो आपने जो सिलेक्शन किया होगा वहां पे वो नंबर आ जाएगा। अभी ये उसमें सबसे फर्स्ट है इसलिए नंबर वो वहां पे 1 आएगा। अभी मैं दूसरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स 1,1, अभी फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है, वहां पे मैं सी ले रहा हूँ। अभी सी है वो सीक्वेंस में थर्ड है, इंक्रीमेंट 1 है और स्टार्टिंग भी 1 है, तो सी थर्ड पोजिशन पे आता है तो वहां पे 3 आ जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस, और भी मैं ई ले रहा हूँ, ई लेंगे तो वो सीक्वेंस में 5th आ रहा है, वहां पर 5 हो जाएगा। वैसे ही एक्स डायरेक्शन 1,1, फाइंड एंड रिप्लेस, और मैं ले रहा हूँ जी, तो वो 7 पोजीशन पे है तो वहां पे 7 आ जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट हो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं नंबर से, और इसमें आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ, स्टार्टिंग नंबर 10 से करना है और 10 का ही इंक्रीमेंट करना है, ओवर राइट। आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आ जाता है। और पॉजिटिव से आप माइनस वैल्यू भी ले सकते, एक्स स्टार्टिंग 0 से करना है और -10 इंक्रीमेंट चाहिए, ओवर राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0, -10, -20, -30, -40, -50, तो यहाँ पे 10 माइनस में इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से आप नंबरिंग दे सकते हैं, ओवरराइड में वो नंबर रिप्लेस हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में ले सकते हैं, वाई डायरेक्शन में आप रेंडमली भी सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑर्डर से नंबरिंग रिप्लेस कर सकते हैं। आप अगर आपको आगे नंबर चाहिए तो प्रीफिक्स, और पीछे चाहिए तो सफिक्स ऑप्शन है, और पर्टिकुलर कोई टैक्स है उसको रिप्लेस करना है नंबर से वो भी आप कर सकते हैं, और नेगेटिव इंक्रीमेंट एंगल भी आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। देखते रहे हमारे चैनल इजी वेकेड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। आपका धन्यवाद, थैंक यू।